शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। काका, भगवान राम ने रावण का विनाश करने के लिए कठिन रास्ता ही चुना था, क्योंकि आसान रास्ते हमेशा गलत दिशा में ले जाते हैं। तो ठीक है, जिस दिशा में चलना हो उसी दिशा में चल लो, पर याद रखना, त्रिगुण का लाया हुआ संकट केवल त्रिगुण ही काट सकता है, कोई कथा वथा नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैंने 1 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के अकाउंट में दिखा दिए हैं। मुझे पता था कि आप कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेंगे। वो सब तो ठीक है मुग्धा, लेकिन आगे से गलती से भी इस तरह की गलती मत दोहराना, क्योंकि क्या है कि हम इल्लीगल तरीके से किसी भी तरह के प्रॉब्लम को टाल तो सकते हैं, लेकिन कानून की तलवार हमेशा हमारे सर पे लटकती रहती। जिसके पापा जी तोप हो उसे तलवार से कैसा डर। सूर्य, चंद्रमा और सत्य को छुपाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि तीनों ही मेघ की ओट से अतिशीघ्र ही बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार आप लोगों का सत्य भी अतिशीघ्र ही बाहर आने वाला है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता मामात्म परदेहेषु पृथ्वी संतो अभ्यसूय कहा। अर्थात शक्ति, घमंड, क्रोध और अपनी बड़ाई, जिन भी मनुष्य में यह बुरी आदतें होती वो लोग भगवान को कभी देख ही नहीं सकते। पर आप चिंता मत कीजिए काका, क्योंकि जो लोग देख नहीं सकते वो कथा सुन सकते हैं। आप भी सुन लीजिए, क्या पता ये कथा सुनने से ही आपको भगवान की सत्ता का आभास हो जाए। एकदम अपने बाबा पे गई हो, वही वाणी, वही सोच, वही तेवर, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो ठीक है, आज कथा की महिमा मैं सुन ही लेता हूँ। संपत, बैठ जा। आज तक हमने लोगों के जीवन की कथा लिखी है, वो भी बड़ी मेहनत से। आज पहली बार फ्री फंड में कथा सुनने को मिल रही है। अरे बैठ जा मुनीम, कथा शुरू होने वाली है। हे लट्टू गोपाल, आज सदा अपने भक्तों को लीला दिखाते, आज भी आपको लीला दिखानी होगी। इस कलंक निवारण कथा की महिमा से हर पापी को परिचित कराना ही होगा। हम आपको साक्षी मानकर अपने जीवन की प्रथम कथा कहने जा रहे हैं। हमारे शब्दों को शक्ति दीजिएगा, हमारी भक्ति का फल दीजिएगा। सिन्हो जांबवता हतः सुकुमारक मारो दिस्तव हेश इसमंतिका। हे लड्डू गोपाल, आज हम कलंक निवारण चतुर्थी की वो पवित्र कथा कहने जा रहे हैं जिसे कहने और सुनने वाले को हर प्रकार के मिथ्या आरोप और झूठे कलंक से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण की उन पर लगा कलंक, दोष ये पीड़ा दाई जो बिच्छू मारे डंक। रोक, पुलिस वाले अपने बाप के घर समझ रखा है क्या। कृष्ण पे कालिक जो मले,
करे स्वयं का नाश। भाग्य बनाए वो जो करे, कृष्ण पे सदा विश्वास। अद्भुत लीला धर्मो आला, जय 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 लड्डू गोपाला। कलंक चतुर्थी की कथा जो सुने करके ध्यान, सात सहायक जब बने प्रभु लड्डू गोपाल। मिस्टर अंगद सोलंकी, हम विजिलेंट डिपार्टमेंट से हैं। हमें आपकी कंपनी में काले धन इन्वेस्ट होने की इंफॉर्मेशन मिली है। काला धन? यू मीन ब्लैक मनी? यस। इम्पॉसिबल ऑफिसर, आई एम श्योर कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। सर्च वारंट है हमारे पास। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लेकर आए हैं? त्रिगुण सोलंकी को बस आखिरी मात दी है मैंने, वो भी सारे प्रूफ के साथ। शुक्ला जी, सारे एग्जिट सील कीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं ऑफिसर। रुकिए शुक्ला जी, मैं सारे काम लीगली करता हूँ। आइए देख लीजिए। आप लोग साले सर्च कीजिए। एक बार पुनः सजी हो उठी है मेरे सम्मुख। तुम धन्य हो तुलसी, धन्य है तुम्हारी भक्ति। जाम बंती संव्याह रचाकर मणि दिए सतराजित बुलाकर, सतराजित गिर प्रभु के आगे बोल के अपनी क्षमा वो मांगे। बन के कृष्ण कलंक निवारक, भक्त हितैषी सदा उद्धारक। जो ये कथा सुने सुनावर, कहे कृष्ण वो शुभ फल पावे। सहायक जब बने प्रभु लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल, जय 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 लड्डू गोपाल, जय लड्डू गोपाल, जय 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 लड्डू गोपाल। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमारू टीवी पर।